कहीं अनकहीं बातें शुरू करते हैं लेकर प्रभु का नाम। आज मैं आपको दुनिया के अजीबोगरीब रीति रिवाज के बारे में बताऊंगी जो आपको हैरान कर देंगे। हमारी दुनिया विविधताओं से भरी है। यहाँ हर धर्म और जाति के लोग रहते हैं। हर जाति में कुछ अलग अलग परंपराएं होती हैं जो बरसों से चली आ रही हैं। रीति रिवाज के बारे में बात करें तो दुनिया में आज भी कुछ जगह पर लोग अंधविश्वास जैसी बातों से अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। वैसे तो दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जो अजीब रीति रिवाजों के कारण जाने जाते हैं। आइए जानते हैं दुनिया के उन्हीं को चौंका देने वाले रीति रिवाजों के बारे में जो बरसों से लेकर आज तक चले आ रहे हैं। पापुआ न्यू गिनी के मगरमच्छ। युवा लड़कों को क्रोकोडाइल मैन की ओर मोड़ना पापुआ न्यू गिनी की चामरी जनजाति द्वारा किया गया एक ऐसा रिवाज है जिसमें चामरी जनजाति अपनी प्राचीन मान्यताओं के माध्यम से हर 4 से 5 साल में मगरमच्छ के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। मगरमच्छ अनुष्ठान में लड़कों की त्वचा को गहराई से खरोचा जाता है। आदिवासी बुजुर्ग लड़कों की पीठ, छाती और नितंबों को गहराई से काटते हैं, जो त्वचा में पैटर्न बनाते हैं जो मगरमच्छ के समान होते हैं। ये प्राचीन अभ्यास बेहद खतरनाक है, लेकिन आखिर ऐसी बेहद खतरनाक परंपरा क्यों मनाई जाती है? पूर्वी पीएनजी में सेपिक नदी के तट पर कई बड़े और खतरनाक मगरमच्छों के खारे पानी में घर हैं, जो चामरी जनजाति के लोगों के जंगल के पास ही हैं। एक बार जब यह बेहद खतरनाक समारोह खत्म हो जाता है तो माना जाता है कि इसके बाद मगरमच्छ की आत्मा से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। गर्दन बढ़ाने की प्राचीन परंपरा। अफ्रीका के नेडबेले जनजाति के भीतर की महिलाएं गर्दन में तांबे और पीतल के छल्ले पहनती हैं। यहाँ की महिलाएं 5 साल की उम्र से ही ये छल्ले पहनना शुरू कर देती हैं। हालांकि उन्हें पहनना आसान नहीं है। कॉइल, जो आमतौर पर पीतल से बने होते हैं, जिसका वजन 4.5 पाउंड का होता है, समय के साथ और अधिक कॉइल जोड़ दिए जाते हैं। ये परंपरा अधिक सुंदरता के लिए की जाती है। इस परंपरा का आरंभ 11वीं सदी में दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ था। हालांकि किसी ने इसका ठोस कारण नहीं खोजा है कि ऐसा क्यों किया जाता है। किसी ने बताया कि ये रिंग्स बाघ के हमलों के खिलाफ बचाव के रूप में पहना था जो गर्दन पर हमला करते थे। एक अन्य का कहना यह है कि महिलाओं को दूसरे जनजातियों के पुरुषों से बचाने के लिए किया था और आज इस परंपरा को सुंदर बनने के लिए किया जाता है। होठ और जीभ को छेदना। होठों को बड़ा करना और छेदना ऐतिहासिक रूप से अफ्रीका और अमेरिका की कुछ आदिवासी संस्कृतियों में पाया जाता है। होठों को छेदना और प्लेटों से खींचने का अभ्यास पूरे कोलंबिया में पाया जाता है। थामेसो अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के साथ साथ प्रशांत, नॉर्थ वेस्ट और अफ्रीका की कुछ जनजातियों में महिलाओं के लिए अपने होठों को एक होठ डिस्क के साथ सजाना काफ़ी आम था, जिसे पेल्ले कहा जाता था। बचपन से ही इसे लगा दिया जाता है। समय के साथ ये बढ़ता जाता था। कुछ स्थानों पर अभी भी ऐसे होठ खींचे जाते हैं। नील नदी में निलोटिक मुर्सी जनजाति की महिलाएं इस अवसर पर लिप रिंग पहनती हैं, जो 15 सेंटीमीटर व्यास तक पहुंच सकती है। कुछ पूर्व कोलंबियाई और उत्तरी अमेरिका संस्कृतियों में लेब्रेट को एक स्टेटस सिंबल के रूप में देखा गया था। वे हेड़ा महिलाओं के बीच ऊंचे दर्जे के प्रतीक के सबसे पुराने रूप थे। हालांकि पश्चिमी प्रभाव के कारण उन्हें पहनने की प्रथा समाप्त हो गई। तो ये थे कुछ दुनिया के अजीबोगरीब रीति रिवाज। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी कई अनकही बातें जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ कहीं अनकही बातें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।